गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज दिन में मु आपणक पाई नहीं आसी राज्य तथा देश विदेश रो 30 गुरुत्वपूर्ण खबर। तेबे डेरी न करी वीडियो टी को शेष पर्यंत देखंतु। सारा देश को पछरे पकाइला ओडिशा। तमाखु मुक्त गाँ अभियान ने सारा देश में श्रेष्ठ स्थान हासिल करिछि ओडिशा। या टबाको फ्री यूथ कैंपेन 2023 अधीन होइतिला। एही अभियान जुलाई और अगस्त दुई मास धरी चलीला। भारत सरकार पक्षर ओडिशा को एही पुरस्कार दि जाइछि। सारा देश में प्रथम राज्य भाव में ओडिशा रे टबाको मुक्त गाँ अभियान आरंभ होइतिला। नवकळबर को चलचित्र भाव में देखा पाइबे दर्शक। नवकळबर नाटकर अपूर्व सफलता परे एहाकु सिनेमा भाव में प्रस्तुत करा जिबो। साई श्रद्धा प्रोडक्शन बैनर रे श्री जगन्नाथ नवकळबर चलचित्र प्रस्तुत करा जिबो। नाटक रु चलचित्र को रूपांतरित करी आउ थरे जगन्नाथ महिमा और लीला प्रचार प्रसार करने को प्रयास आरंभ होइछि। राज्य तथा राज्य बाहर ए फिल्म निर्माण कार्य प्रस्तुति चूड़ांत पर्यायर पहुँची। चिलिकारे अघटन। पर्यटकों डल्फिन देखा जा डंगारू खसी पड़े चालक। पांच जन पर्यटकों को नहीं चिलिकारे डल्फिन देखा नहीं चालक विक्रम जाली। डल्फिन देखा फेरुवा बेले हटात डंगाटीर मोटर बंद हो चालक मोटर को चालू करसी पड़ते। निकटने अन्य एक डंगा पर्यटकों सहित डंगाटी को उद्धार करते। समस्त पर्यटक सुरक्षित बेले डंगार चालक विक्रम जाली को स्थानीय मत्स्यजीवी और ब्रह्मगिरी अग्निशम बाहन खोजाखोजी कर। चाष और चाषी क्षेत्र विकास रे उल्लेखनीय अवदान पाई फिलिपाइन्स स्थित CGIAR अंतर्जातीय दान गवेषणा संस्था रे कार्यरत ओडिशार युव वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक को आमेरिकार लोहा शहर रे विश्व खाद्य पुरस्कार संस्थान पक्षर विश्वर सम्मानजनक नर्मान ई बोलार्ग फिल्ड पुरस्कार 2023 रे सम्मानित करा जायछि। डॉक्टर नायक तृतीय भारतीय तथा प्रथम ओडिया भावे ई सम्मानजनक पुरस्कार रा अधिकारी होइछन्ति। कटक जिला बांकी रे पुलिस उपरकु अवसरप्राप्त जवान को आक्रमण घटना रे आईआईसी काबुली बारी को बदली करा जायछि। बारी को महांगा भद्रेश्वर थाना को बदली होइतिबा बेले तांको स्थान रे शिवप्रसाद बेहरा को नियुक्ति मिलिछि। बांकी रे पुलिस उपरकु अवसरप्राप्त जवान को आक्रमण घटना रे आईआईसी बारी विवाद घेर को आसीथिले। बांकी थाना अंतर्गत सिमिलीपुल ग्रामर जैनिक अवसरप्राप्त सेना कर्मचारी सरोज दास निजर व्यवसाय जनित कारण को नहीं दीर्घ वर्ष तले एक अभियोग बांकी थाना रे करिथिले। मात्र न्याय पाई नथिबा सरोज बांकी बजार हाथरे खंडा धरी आतंक सृष्टि करिथिले। दुईट घटन कामुड़ा कामुड़ी हो दुईज गुरुतर होती। सोसो थाना सड़ा गाँव में बिल में कम करुवा बेले दुईज महिला गंडगोल होता। गंडगोल में जड़े महिला अन्य जनक गोड़ को कामुड़ी गुरुतर अवस्था कटक स्थानातर करपटे आनंदपुर थाना माठिया नेंडी में जड़े मद्यप कामुड़ी कान को छिंडाई गुरुतर अवस्था संपृक्त व्यक्ति को आनंदपुर मेडिकल भर्ती कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में बसी केन्द्र कैबिनेट बैठक में कृषक मानी बड़ निष्पत्ति। मोदी कैबिनेट बैठक में निष्पत्ति संपर्क में सूचना दे केन्द्रमंत्री अनुराग ठाकुर कहते जे कृषक मानू सार सब्सिडी मिलवा जारी रहा सरकार सार दर उपर कौन प्रभाव पकड़ देना। NBS अधीन चाषी को रिहाती मूल्य सार मिल जारी रहा गोटे पैसा यूरिया बढ़ना अनुराग कहते। एबे जातीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद बहिरे इंडिया बदल रे लेखा जीव भारत। किछि दिन पूर्वर परवर्ती पुस्तक रे इंडिया बदल रे भारत लेखा जीव ने NCERT पैनल प्रस्ताव देइतिबा बेले एहार सदस्य माने एही प्रस्ताव को ग्रहण करिछंती। NCERT रो पैनल सदस्य CI ईशांक कहिबा मुताबक नूतन NCERT पुस्तक गुड़िक देशर नाम परिवर्तन हेबो। एही प्रस्ताव किछि मास पूर्वर दिया जाइतिला एवं वर्तमान एहाकु ग्रहण करा जाइछि। राजस्थान ने कांग्रेस सरकार आसिले परिवार महिला मुख्य को प्रतिवर्ष 10,000 टंका सम्मान प्रदान करा जिवो। झुंझुन एक साधारण सभा राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एभली एक घोषणा करिछन्ते। निर्वाचन में जहाँ प्रतिश्रुति दिया जाए ता पालन करा जाए। जदि आम सरकार एथर पुणी थरे राज्य में सरकार गढ़े तबे मात्र 500 टंकारे LPG सिलिंडर लोकंकु जगाई दिया जिवो। एहा द्वारा 1,05,00,000 परिवार उपकृत होई परिबे।
वायु गुणवत्ता और पानीपाग आगुआ सूचना और गवेषणा बा सफर पक्षर कर तथ्य अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता 190 पहुंची मंगलवार एक्यूआई 231 बुधवार यह 190 को खसी आसी चलित बर्ष प्रथम थर लगे गत सोमवार दिल्लीर एक्यूआई अति सांघातिक होता दशहरा लगी दिल्लीर केतेक अंचल बाण फुटाइबा कारण विभिन्न स्थान में वायु गुणवत्ता खराब होता दिल्ली परी नोएडा भी वायु गुणवत्ता खराब रही। देशरे व्यापक कर ठकेई करुछंती गेमिंग आप प्राय 1,00,000 कोटी टंकार ठकेई घटनारे कारण दर्शाओ नोटिस जारी करिछंती जीएसटी कर्तृपक्ष। तबे अक्टोबर 1 रु विदेशी गेमिंग कंपनी भारत में पंजीकरण करितिबा नै कोनोसी तथ्य नै बोली कुहा जाइछि। अक्टोबर 1 परे विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी भारत में पंजीकरण करिबा जरूरी बोली जीएसटी आईन को संशोधन करा जाइछि। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म उपरे 28% जीएसटी लागू करी गत अगस्त रे जीएसटी परिषद निष्पत्ति नैथिला। मध्यप्रदेश में कांग्रेस 4 आसन में प्रार्थी बदलाई। कांग्रेस सुमावली पापिरिया बड़नगर एवं जावरा आसन में प्रार्थी परिवर्तन करी। कांग्रेस सुमावाल कुलदीप सिकरवार स्थान में अजब सिंह कुशवाला पापियारु गुरुचरण शेखर स्थान में वीरेन्द्र बेलदंसी बड़नगरु राजेन्द्र सिंह सोली स्थान में मुरली मारवेल और जावरारु हिम्मत श्रीमाल स्थान में वीरेन्द्र सिंह सोली मनोनीत कर। आलोकर पर्व दीपावली को आउ केटा दिन बाकी रही क्रम भारत सरकारंकर विभिन्न मंत्रालय मध्य सबु ऑफिस रे सफे काम आरंभ कर देइछंती। कोइला मंत्रालय यह सबु कार्यालय सफे करी सेथिरु बाहर करथिबा ओलिया बिक्री करी कोटी कोटी टंका रोजगार करी। भारत सरकारंकर कोइला मंत्रालय दिवाली पूर्वरु एहार समस्त कार्यालय सफा करी विभिन्न अदरकारी जिनिस बिक्री करी 28.79 कोटी टंका रोजगार करी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट पक्षर पूजारी पदपाई एक नोटिफिकेशन जारी करा जाएछि। मंदिर रे रामलीला प्राण प्रतिष्ठा पूर्वर आशायी प्रार्थी माने एथिपाई आवेदन करिपारिबे। अक्टोबर 31 आवेदन रो अंतिम तारीख रहिछि। परीक्षा परे प्रार्थी को 6 मास रो ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग समय रे प्रार्थी को मासिक 2,000 टंका प्रदान करा जिबो। आसंता वर्ष जनवरी मास 22 तारीख भगवान श्रीरामंकर मूर्तिर प्राण प्रतिष्ठा करा जिबो। भारतीय नौसेनारे अधिकारी हेबाकु स्वप्न देखुथिबा युवक मानंक पई आसीछि एक सुवर्ण सुजोग। एथिपई भारतीय नौसेना जून 2024 कोर्स पई 124 सर्ट सर्विस कमिशन अफिसर पई विज्ञप्ति जारी करिछि। ए पोस्ट गुडी को पई आवेदन प्रक्रिया आरंभ होईछि एवं ऑनलाइन आवेदन करिवार शेष तारीख 29 अक्टोबर 2023 रखा जाइछि। आग्रही तथा योग्य प्रार्थी माने भारतीय नौसेनारो ऑफिशियल वेबसाइट को जाई आवेदन करि परिबे। 3 वर्ष पूर्वरु कोरोना महामारी निजर कराल रूप देखाई सारी। कोरोनार सृष्टिकर्ता चाइना को जेते थर दायी करागले मध्य से एही सत्य को सबुबले खंडन करी आसी। वर्तमान चाइनार वैज्ञानिक माने 8 नुआ भाइरस आविष्कार करी। कोरोना भली एही नुआ भाइरस मनुष्यक मध्य द्रुत गति रे व्यापी पारे जेउति पई विश्व रे आउ एक महामारी संभावना देखा जाई पारे बोली वैज्ञानिक माने दाबी करी। इजराइल एवं हमास मध्यरे युद्ध बंद हेबार ना नेउनी। 18 दिन धरी चली आसुवा एक युद्ध जोगु नवजात शिशुक जीवन विपद से पड़ी। मिलित जातिसंघ एक चेतावनी दे 120 नवजात शिशुक जीवन विपद से पड़ी। जातिसंघ कही से सबू नवजात शिशुक गाजा डाक्तरखाना इनक्यूबेटर में रखाई। शिशु मैंने समय पूर्व जन्म होती डाक्तरखाना विद्युत जल ईंधन और अम्लजान अभाव हेतु डाक्तरखाना चलबार असुविधा होती पिला जीवन विपद से पड़ी। इज्राएल जो स्थानगुड़िक इज्राएल नागरिक मान पणबंदी भाव में रखाई से संबंध में सूचना प्रदान करने को गाजा अंचल लोक अनुरोध कर जो माने सूचना प्रदान करूँ मध्य आर्थिक सहायता प्रदान करा। हमास आतंकवादी माने 200 अधिक लोक बंधक रखिंट जदि चाहूँ शांति तेरे पणबंदी को प्रथम मुक्त करने को हमास को इज्राएल चेतावनी दे।
ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 19 ଦିନ ହେବ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 7000 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ନଜର ରଖିଛି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତେବେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାରେ କିଛି ଅଲଗା ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଜାତିସଂଘର ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟିନିଓ ଗୁଟେରେସ୍ଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଦାବି କରିଛି ହମାସ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ରଖିବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ $10,000 ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଘର ଦିଆଯାଉଛି। ଏଜେନ୍ସି ଦାବି କରିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଚାଲିଛି। ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ପାକିସ୍ତାନ ପୁନର୍ବାର କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପରେ ଏଥର ଭାରତ ଏହାର ଜବାବ ନ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦେଇ ଭାରତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ପିଲା ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ମେଟା ରୋଜଗାର କରୁଛି ଅର୍ଥ। ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର କମ୍ପାନୀର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ଏହି ମେଟା। ଆମେରିକାର ମୋଟ 33 ରାଜ୍ୟ ମେଟା ବିରୋଧରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏଭଳି କିଛି ଫିଚର ଆଣିଛି ଯାହା ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଟବଣା କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏଥର ଅଭିନେତା ରାଜକୁମାର ରାଓଙ୍କୁ ନିଜର ନ୍ୟାସନାଲ ଆଇକନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଭୋଟିଂ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଅଭିନେତା ରାଜକୁମାର ରାଓ ବହୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ହେଲେ ନ୍ୟୁଟନ୍ ଏକ ଏପରି ଏକ ଫିଲ୍ମ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅଲଗା ପରିଚୟ ଦେଇଛି। 2017 ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ରାଜକୁମାର ରାଓଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଥିଲା। ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ଆନିମଲ୍ ପାଇଁ ରଣବୀର କପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଅଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ରଣବୀର କପୁର ନିଜ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫ୍ ସହିତ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ରଣବୀର କପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ପାଇଁ ଫିଲ୍ମରୁ ବିରତି ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ବ୍ରେକ୍ ନିଜ ଝିଅ ରାହାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଥାନାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜେଲର୍ରେ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଅଭିନେତା ବିନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା କଥା ଉତ୍ତର ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ ପୋଲିସ କହିଛି। ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଚରଣ କରିବା ଓ ଥାନା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବାଧା ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ଲୋକମାନେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ଆସିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି। ବଲିଉଡ୍ ଠାରୁ ଭୋଜପୁରୀ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଘଟିଥାଏ। ଭୋଜପୁରୀ ସିନେମାର ଏପରି ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମିତାଲି ଶର୍ମା। ସେ ଭୋଜପୁରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁର୍ଦିନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ସେ ମୁମ୍ବାଇର ଲୋଖଣ୍ଡୱାଲା ରାସ୍ତାରେ ଭିକ ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବ୍ୟାଟର ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍। ବୁଧବାର ଅରୁଣ ଜେଟ୍ଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଗରେ 399 ରନ୍ ବିଶାଳ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଶତକ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର 93 ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାତ୍ର 40 ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ଯାହା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023 ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ଖେଳିବା ମୁସ୍କିଲ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହୋଇନଥିବା କାରଣରୁ ଇକାନାକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କ ଖେଳିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 19 ପୁନେରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
विश्वकप 2023 रो सेमीफाइनाल रे प्रवेश करबा कु चारटी चर्चित दल मध्ये पाकिस्तान नाम मध्ये शामिल थिला। आशा करा जाउतला पाकिस्तान दल आरंभरु भल प्रदर्शन करितला एवं एहार प्रारंभिक मैच जितितला। हेले बैक टू बैक तीनोटी पराजय परे सेमीफाइनाल रे प्रवेश करबा तांको पई कष्टकर होई पडिछि। पाकिस्तान खेलबा कु बाकी थिबा चारटी मैच मध्येरु तीनोटी मैच दक्षिण आफ्रिका, इंग्लैंड एवं न्यूजीलैंड शामिल रहिछि। ए तीनोटी दल विपक्ष रे पाकिस्तान जितिबा एते सहज नुहे। विश्वकप 2023 रे लगातार तृतीय पराजय परे पाकिस्तान को निज देश रे समालोचनार शिकार हेबाकू पड़िछि। ए लज्जाजनक पराजय पई पाकिस्तान नो अधिनायक बाबर आजम को दायी करिछंती पूर्वतन पाकिस्तान क्रिकेटर। बाबर को बदल रे साइनी आफ्रिदी को अधिनायक करिबाकू दाबी करिछंती पूर्वतन पाकिस्तान क्रिकेटर आकिब जावेद। आकिब कहिछंती बाबर को स्थान रे दिनिकिया फॉर्मेट रे साइनी आफ्रिदी को पाकिस्तान नो अधिनायक करा जाउ। एभली खबर जानिबा पई हेले आम चैनल को लाइक करंतु, कमेंट करंतु, सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलंतु नहीं।